ये मैंने नींबू का पौधा एक पॉट में लगाया था, लेकिन इसके जो ये देखो पत्ते जो है ये एक कीड़ा खा लेता है, तो इसमें जो है इससे पत्ता बढ़ता नहीं, इसको फूल फल जो है वो नहीं बढ़ते, जो बूटा कमज़ोर रहता है। तो मैंने इसके लिए इसको कैसे ख़त्म करें, क्योंकि हम इसमें कोई स्प्रे जो है केमिकल स्प्रे करते नहीं घर में है, तो ना ही हम करेंगे। तो नीम का हमने तेल डाल के देखा था, उसमें तो ये मरा नहीं इसको कीड़ा जो है, तो ये पत्ते कटने कटते रहे। ये दूसरा देखो, ये चाइनी मौसमी है, ये भी नींबू जाति का ही है, तो इसके पत्ते भी ऐसे जो इसको फल लगे हैं, देखो अच्छे अच्छे फल लगे हैं सारे, लेकिन इसके भी जो इसमें कीड़ा वो खा रहा है। तो मैंने इस कीड़े जो है इस कीड़े को कैसे मारा जाए और पौधे को इस कीड़े से कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक जो है बिल्कुल देसी नुस्खा जो घर में हम तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये मैंने लहसुन लिया इतना, ये देखो इसके मैंने जो है फली निकाल ली है, अब इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। अभी ये जो है लहसुन की फली मैं इसमें डाल रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं इससे जो है इससे ऐसे ऐसे इसको इसके दो तीन फाड़ जो हो जाए इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो ये देखो मैं इसमें छोटे से जो है बर्तन इसमें इसको कूट रहा हूँ, ताकि इसके थोड़ा छिलका भी निकल जाएगा और इसके दो दो तीन तीन फाड़ हो जाएंगे। अब ये इसके थोड़े से अभी थोड़ी सी कसर और है, अब मैं इसको लगभग जो है इसको थोड़ा क्रश कर दिया है, पीसों में कर दिया है। तो अब मैंने ये इस जग में लग 1 लीटर से ज़्यादा पानी है तो इसमें मैं डाल रहा हूँ। अब इसमें सारा इसको डाल दिया मैंने, ये देखो अच्छी तरह इससे निकाल के इसको डाल रहा हूँ, इसको डाल दिया। इसमें अभी मैं थोड़ा सा जो है 2-3 चम्मच हल्दी के डाल रहा हूँ, ये हल्दी का जो मैंने डिब्बा लिया है, इससे मैं 1-2 बड़े चम्मच जो इसमें डाल दिए मैंने, इसको अच्छी तरह घोल रहा हूँ। अच्छी तरह घुलने के बाद हल्दी जो है इस जो लहसुन और पानी का मिश्रण है उसमें इसको घोल रहा हूँ। 1 लीटर पानी, 2 बड़े चम्मच हल्दी और लहसुन थे लगभग 100 ग्राम के आसपास। तो ये दोस्तों मेरा मिश्रण बन गया, अब मैं इसको रख रहा हूँ। इसमें एटलीस्ट जो है 12 घंटे ऐसे पड़ा रहेगा, 12 घंटे बाद इसमें जो रिएक्शन हो जाएगा, तो फिर इसको मैंने जो है अब सुबह दिखाऊंगा भी इसको कैसे पेड़ पे डालना है और कितना और पानी इसमें डाल के इसको कैसे मिश्रण बनेगा, और वो जो है उल्ली और वो जो कीड़े हैं नींबू नींबू के किन्नू के और या ऐसी इस जाति के और जो है पौधे उससे वो कैसे मरेगा, और वो मरने से हमारा पौधा जो है अच्छा फल और फूल देगा। अभी मैं सवेरे इसको जो है 12 घंटे बाद सवेरे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था हल्दी और लहसुन का, इसको भी 5 लीटर पानी में करके ऐसे इसको छान लेते हैं और 5 लीटर पानी में डाल दिया, अच्छी तरह धो दिया। सीधे छान लिया इसको, और ये जो है इसको करके ये जो कर लिया और इसका अब निकाल लिया। अब इसको हम एक बोतल में डालते हैं स्प्रे के लिए। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया ना मटेरियल, तो जो स्प्रे वाला पंप है वो इतना जो है थिन मटेरियल को गाढ़े मटेरियल को लेता नहीं, तो फिर ये बोतल में हमने बोतल का ही जो स्प्रे पंप बना लिया, हम इससे छिड़काव करते हैं। देखो कैसे ये बंद कर लिया, और ये आ गया
जिसमें हम इसको अच्छी तरह नहला दे रहे, इसका स्प्रे करेंगे इसको अच्छी तरह, अच्छी तरह इसको देना है, कोई पत्ती इसकी ऐसे रहने जाए। इसके हमने अच्छी तरह फेंक दिया, एक छोटा सा निकल रहा है इसको भी फेंक देते हैं। ये देखो ये साथ है, ये बिंग टमाटर का, इसको भी वाइट वाइट उल्ली लग रही है, तो इसमें भी हम फेंकते हैं, इसको भी खात्मा करेंगे। हमने ये अच्छे अच्छी तरह इसमें डाल दिया। अब ये और दूसरा है कि चाइनीज हमने, इसको भी ये भी नींबू जाती है और इसको भी सेम प्रॉब्लम थी, इसको भी अच्छी तरह डाल देते हैं। ये देखो इसको अच्छी तरह सभी पत्तों पे आ जाए, डाल दे इसमें भी डाल इसमें डाल देते। चलो ये चीकू है, इसको लगा तो नहीं लेकिन फिर भी इसमें डाल देते हैं, कोई बात नहीं। ये दूसरा टमाटर का पेड़ है, इसको भी बचाने के लिए इसको हम डाल रहे हैं। ये हमने इसमें भी अच्छी तरह डाल दिया। ये हम सभी पौधों को इसका छिड़काव कर रहे हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो है लहसुन है वो भी एंटी बैक्टीरिया है, और ये जो है हमारा हल्दी ये भी एंटी बैक्टीरिया है, तो ये इससे जो है सभी पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम डाल रहे हैं, अभी ये देखो कीड़ा है, जैसे ये भागेगा भी, अभी भागेगा, दुम दबा के भागेगा। तो ये दोस्तों इसको जो है हमने नींबू का डाल के देखा था, नींबू का तेल, उससे ये मरे नहीं, तो इसलिए हमने ये जो अभी ये जो है लहसुन और इसका हल्दी का घोल जो है ये डाला है। इससे जो हमें उम्मीद है 7 डेज में ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट संडे को हमें एक बार यही छिड़काव दोबारा करना पड़ेगा। तो इससे जो है हमारे जो बड़े ये जो है ना ये कीड़े, ये इसका पौधे का रस चूस लेते हैं, इसको ना तो फल लगने देते, फूल देते, इसको बढ़ने भी नहीं देते। तो
ये हमने इसलिए ट्रीटमेंट किया क्योंकि हम दूसरा कोई किसी तरह का कोई ना तो खाद डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, ना कोई इसमें दवाई डालते हैं, कीड़ा कीटनाशक हम सिर्फ देसी तरीके से घर के खाने के लिए और यार दोस्तों के लिए तैयार करते हैं। तो ये हमने डाल दिया है, अभी मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल कारगर होगा। अगर आपके भी गार्डन में ऐसे जैसे हमने कीड़े दिखाए हैं वाइट और ये अगर हो, तो आप ये छिड़काव करके देखें, इसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा रहे। और आप इस चैनल को लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों। ये देखो ऐसे जो कीड़े हैं ऐसे ये पत्तों को खा जाते हैं, तो जो आज मिश्रण में अभी डाल रहा हूँ वो इन कीड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा एक ही दिन में, लेकिन मैं इसकी स्प्रे जो है दो बार करूँगा। ये देखो जो है हमारे ये गोभी के पत्ते हैं, इनको भी कोई कीड़ा लग रहा है, छेद कर दिया है, तो इसमें भी साथ साथ सारी स्प्रे में डालूँगा जो मैंने बनाई है, अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। थैंक यू।